हेलो, हेलो सर। हेलो सर, क्या कहना है आपको? ये मेरा भाई है। ये ग्रीन जनरल राज स्कूल में पढ़ता है, हॉस्कास के पास। ओके, और मेरा इसका नाम आरुष गुप्ता है और ये 6th पास है, 7th क्लास में आ गए। ओके, और मेरा नाम राघव गुप्ता है, मैं ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैं सफदरजंग के पास मेरा स्कूल है और मैंने 4th पास कर रखी, मैं 5th में आ गया। तो अब ये आपको क्या दिक्कत हो रही है? मतलब स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं आप? मतलब दिक्कत ये हो रही कि हमारे जो फादर हैं वो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल पे जाने की प्रॉब्लम है। पर एक्चुअली हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं, तो हमें थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज बेटर समझ में आती है हिंदी से। तो हमने ट्राई किया था गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे उन लोगों वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने बोला इंग्लिश सेक्शन तो है पर वहाँ पूरा नहीं है। मतलब जैसे कि हमारी हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी, मैथ मैथ साइंस इंग्लिश ये सब इंग्लिश में, बाकी सोशल स्टडीज़ में जो 3 पार्ट्स होते हैं वो भी हिंदी में, और सोशल स्टडीज़ पूरी हिंदी में ही है। कौन कौन से पार्ट होते हैं सोशल स्टडीज में? पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल हाँ साइंस, फिजिक्स हाँ और ज्योग्राफी। तो अब किस उलझन में उलझे हुए आप लोग? वो एक्चुअली अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज बैड समझ में आती है हिंदी में, रिटर्न में। तो हमने स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ा है, तो हमारे लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि पूरा हम 100% इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई आगे अच्छी जा सकती है। बट गवर्नमेंट स्कूल में क्या, मुझे तो आज पहली बार आप लोगों से पता लगा है कि इंग्लिश मीडियम सेक्शन जो गवर्नमेंट में होता है उसके अंदर SST जो है वो हिंदी में ही पढ़ाई जाती है। हम मेरे फादर और मैं गए थे, तो हमने वहाँ पे प्रिंसिपल सर से पूछा था, उनने कहा था सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में सब है पर सोशल स्टडीज़ में हिंदी है, फुल A to Z सोशल स्टडीज़ में हिंदी हिंदी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मतलब हमें पहले से ही इंग्लिश पढ़ने की आदत है, इसलिए हिंदी हमें राइटिंग में समझ में नहीं आती। तो अब आप बताओ हम क्या करें। गवर्नमेंट स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम है वो 100% इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ये मुझे लगता है एक रास्ता है ना? अगर 100% होगा तो शायद हम अपनी आगे की पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं और कुछ बन सके। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।